विंग कमांडर अभिनंदन सकुशल लौटे भारत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव व जिनेवा समझौते के तहत पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करने पर हुआ मजबूर। पाक विदेश मंत्री ने खोली अपने ही देश की पोल, कहा आतंकी मसूद अजहर हमारे ही देश में है। हंदवाड़ा मुठभेड़ में 4 सुरक्षाकर्मी हुए शहीद व एक स्थानीय की भी हुई मौत, कल देर रात से जारी है ये मुठभेड़। पाकिस्तान कर रहा बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी, भारतीय सेना कर रही जवाबी कार्रवाई। भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, इस्लामिक देशों के संगठन की बैठक में शामिल नहीं हुए पाक विदेश मंत्री। पाकिस्तान ने उड़ी सेक्टर में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, गोलाबारी में आधा दर्जन से अधिक नागरिकों के घायल होने की सूचना। महबूबा मुफ्ती ने जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध पर उठाए सवाल, कहा क्या भाजपा विरोधी होना देश विरोधी होना है। चुनाव विभाग द्वारा जागरूकता शिविर किया गया आयोजित, इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एवं मंडलायुक्त जम्मू भी थे उपस्थित। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर जम्मू में जश्न का माहौल, लोगों ने ढोल की ताल पर नाच कर की खुशी जाहिर। जम्मू कश्मीर में 2 से 4 मार्च तक बर्फबारी व बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 मार्च दोपहर बाद हो सकती है बर्फबारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ, अभी तक एलओसी के पास रहने वालों को ही मिलता था आरक्षण। स्कूल शिक्षा सचिव ने मानसिक रोगों से ग्रस्त बच्चों के लिए रिसोर्स रूम का किया उद्घाटन, कार्यक्रम का आयोजन समग्र शिक्षा निदेशालय द्वारा किया गया। सीमा सुरक्षा बल की 137वीं वाहिनी द्वारा मनाया गया राइजिंग डे, बीएसएफ जवानों द्वारा कई देशभक्ति गानों को भी किया गया प्रस्तुत। गांधरबल में जमाते इस्लामी का कार्यालय किया गया सीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई कार्रवाई। पुलवामा जिले के तराल में जमाते इस्लामी के 6 लोग गिरफ्तार, कल देर रात केंद्र ने जमाते इस्लामी पर लगाई थी पाबंदी। जीएमसी जम्मू की छत पर भी दिखेगा रेड क्रॉस निशान, भारत पाक तनाव के चलते राज्य के अस्पतालों पर रेड क्रॉस के निशान बनाने के थे आदेश। शहीद निसार अहमद के अंतिम दर्शन करने उमड़ा लोगों का जनसैलाब, निसार अहमद पुंछ में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में हुए थे शहीद। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदर्शन जारी, नॉन टेक्निकल डायरेक्टर को डायरेक्टर नियुक्त करने पर रोष कर रहे व्यक्त। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने आज सीमावर्ती क्षेत्र बालाकोट का दौरा किया, कहा समस्याओं का जल्द किया जाएगा निपटारा। घाटी के कई हिस्सों में प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियां, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन ने उठाया कदम। राज्य किसान विकास सलाहकार बोर्ड ने किया किसान मेले का आयोजन, किसानों को दी गई अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी। डीसी बड़गाम ने महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का लिया जायजा, तमाम अधिकारियों के साथ सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर दिया बल। टेन प्लस टू लेक्चरर्स ने अपनी मांगों को किया उजागर, नियमित करने सहित अन्य मांगों को भी जल्द पूरा करने की मांग। अनंतनाग से 20 छात्रों का दल भारत दर्शन टूर के लिए किया गया रवाना, ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज 19 राष्ट्रीय राइफल द्वारा टूर का किया गया आयोजन। डोडा जिले की गुजर बस्ती और शास्त्री नगर के निवासियों ने किया प्रदर्शन, अपनी समस्याओं को किया उजागर।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों व डीलरों ने पुलवामा शहीदों को दी राहत राशि। पुलवामा शहीद के परिजनों को 1 लाख की दी गई राशि। नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट राजौरी वॉलीबॉल एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के मध्य चेक किए वितरित। भाजपा नेता नीना शर्मा ने किया खिलाड़ियों को पुरस्कृत। सुंदरबनी में जरूरतमंद लोगों में वितरित की गई राहत सामग्री। लाभार्थियों ने किया आभार व्यक्त। एशिया होटल के निकट बीएमडब्ल्यू कार को लगी आग। इस हादसे में नहीं हुआ कोई भी जानी नुकसान। एडीसी कुपवाड़ा ने की महाशिवरात्रि के प्रबंधों की समीक्षा। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। Ishant Hotel, Restaurant and Banquet, located on NH1, Vijaypur. Discover the best of vegetarian restaurant. At Ishant Hotel, you'll find every facility with very economical budget. Ishant is best suited for dinner party, birthday party, wedding party, social gathering and corporate events. Ishant Hotel, Restaurant and Banquet. At National Highway, Vijaypur, Jammu. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.